नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। शनिवार को उज्जैन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया उग्र प्रदर्शन। हजारों की तादाद पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। संभाग प्रमुख सऊद खान ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस समय उज्जैन के महितपुर में प्रभारी मंत्री और संसद के सामने भाजपा के पूर्व विधायक की पिटाई का एक वीडियो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस विवाद में एक और विवाद का रूप ले लिया है, जहां भाजपा विधायक की पिटाई के मामले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को SP ऑफिस का घेराव किया। PCC चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया और कहा कि TI को 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाए और FIR से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम नहीं हटे तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। दरअसल मामला एक कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बहादुर सिंह चौहान की मंचित से उतरते ही कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। वहीं प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद अनिल फिरोजिया ने बीच बचाव किया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहां उस वक्त मौके पर न मौजूद था। झूठा और बेवाकी प्रकरण ये भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक द्वारा हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के ऊपर किया गया। मेरा निजी सोयाबीन का पेट्रोल पंप है, उस पर मैं बैठा हुआ था। मेरे घर पे CCTV कैमरे लगे हुए, पेट्रोल पंप पे CCTV कैमरे लगे हुए और उसकी फुटेज में दे सकता हूँ इसमें कि उस घटना के टाइम पे मैं कहाँ। अब नाम की कोई चिड़िया अब मध्य प्रदेश में नहीं। उज्जैन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है। यहाँ BJP के लोग आपस में रोज जूतम पेजार करते। थोड़े दिन पहले विधायक जी सतीश मालवी जी के ऑफिस की घटना है, फिर उसके पहले और भी BJP की कई घटना है। कल भी पूर्व विधायक को BJP के लोगों ने जूतम पेजार की। हम इसकी निंदा करते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ या पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उज्जैन में लूट होती है, हत्याएं होती है, BJP के नेताओं के यहाँ लूट होती है। पुलिस आंखें मूंद लेती है, कान में तेल डल जाता है, पुलिस का निर्णय नहीं निकलता। पर BJP के लोग आपस में लड़े और ब्लॉक अध्यक्ष होकर हमारे पे FIR हो, मतलब इससे क्लियर कट मैसेज है कि पुलिस के रीढ़ की हड्डी एकदम खत्म हो चुकी है। उज्जैन में खासकर हमने कल SP साहब से बात की थी, बहुत संयम और सज्जनता से की और कहा था कि जो नाम लिखे गए हैं ये विवेचना 24 घंटे में होकर उनके नाम निकालो और हो तो FIR करो। हम अपराधी को नहीं बचाना चाहते, पर अपराधी जो है उनको बचाना है और कांग्रेस को उसके बीच में लाना है तो पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही, उसको काम सिखाना पड़ेगा। सर्विस रूल के ये बुक के नियम बताने पड़ेंगे। 24 घंटे हुए, मैंने कहा था आप कर देना नहीं तो हम मैं खुद आऊंगा और आपसे बात करूंगा। अब फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर SP ने पुलिस पहले तो TI को सस्पेंड करना चाहिए ऐसी बात। ऐसा कैसा TI जो पुलिस के कैमरों में कैद हुई तस्वीरों को विवेचना नहीं कर सका FIR से पहले, यानी उसको TI का काम नहीं आता, थाना संभालते नहीं आता उसको।